पलवल में इनेलो के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अभय सिंह चौटाला और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी विशेष रूप से शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार के साथ साथ अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को आड़े हाथों लिया। अभय चौटाला ने भ्रष्टाचार के मामले में अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर हमला करते हुए कहा कि मंत्रियों में भ्रष्टाचार गजब नाम आता है तो सबसे भ्रष्ट मंत्रियों में दुष्यंत चौटाला का नाम है। दुष्यंत चौटाला ने अपने सभी महकमों से 8-10% कमीशन, कहीं से 8% और कहीं से 10% फिक्स किया हुआ है। किसी भी व्यक्ति के पास साधारण से ज्यादा आदमी के पास जाने के बात करोगे, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा कमीशन के रूप में कौन सा मंत्री पैसा लेता है, सीधे तौर पर दुष्यंत का नाम आता है कि दुष्यंत ने अपने डिपार्टमेंट जितने उसके पास उन सबने कमीशन तय कर दिया, किसी में 8%, किसी में 10%। जहाँ चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाना चाहिए था, वहाँ चौधरी देवीलाल के नाम पे कहीं ना कहीं कलंक लगाने। वहीं इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने नई विधानसभा को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, लेकिन केंद्र सरकार के सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग से जमीन दिए जाने की मांग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार को चाहिए कि पंजाब को वो विधानसभा के लिए अलग जमीन मुहैया कराए। जब चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है तो हरियाणा को नई विधानसभा बनाने की क्या आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने जो ये मांग पूरी मांगा वो गलत है। चार कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार है। मुख्यमंत्री को उस मीटिंग के अंदर ये कहना चाहिए था कि चार कमीशन की रिपोर्ट लागू करो और चंडीगढ़ जो है वो आप हमें दो, पंजाब को जो है केंद्र की सरकार राजनीति के लिए अलग से कोई फंड मुहैया कराए जिससे अपनी अपनी कैपिटल बढ़ाए। चंडीगढ़ पे हमारा ही अधिकार है, हमें ना तो विधानसभा के लिए कोई जगह मांगनी चाहिए, ना हमें ये कहना चाहिए कि हमारी कोई अलग हाईकोर्ट हो। हमारा जब अधिकार है उस जगह पर, उस अधिकार की लड़ाई लड़नी। वहीं इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि आने वाले जिला परिषद और नगर निगम के चुनाव इनेलो अपने सिंबल पर लड़ेगी और वो चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। परिषद का चुनाव भी जो है पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा, तो आज जो कार्यकर्ता हमारे अरवल जिला के आए हुए हैं, उनसे भी ये पूछा है कि क्या ये जो निर्णय हमने किया है आप हमारे इस निर्णय से सहमत हो। कार्यकर्ताओं ने दोनों हाथ उठा के पूछा है, सहमत है और हम जो पार्टी इस संबंध में जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसको तन मन धन से मदद करेंगे और हम अगला चुनाव जो संबंध में लड़ेंगे। हम तो कांग्रेस को भी बीजेपी को भी उनसे भी कहेंगे कि आप इस संबंध में लड़ो ताकि लोग इस बात का फैसला लेंगे। बता दें कि इनेलो ने जिला परिषद का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया है, जिसे लेकर अभय चौटाला पलवल में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर उनकी राय जानने के लिए आए हुए थे। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।